नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए आज, ये बहुत बड़ी खबर है और 19वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 18वें दिन पेट्रोल के दाम ना बढ़ के डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन 19वें दिन पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। आप रेट भी समझ लीजिए, जान लीजिए क्या है। डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है, दिल्ली में 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर इस वक्त डीजल बिक रहा है, तो पेट्रोल के दाम में 16 पैसे का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा, और डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा महंगे हो गए हैं, कुछ पैसा ज्यादा महंगा हो गया है। डीजल देखिए दिल्ली में 80 पार है, और इसके पीछे का कारण ये भी, ऐसा नहीं है कि देश के सभी राज्यों में यही है कि डीजल ज्यादा महंगा है पेट्रोल की तुलना में, बल्कि दिल्ली सरकार ज्यादा वैट ले रही है, यही वजह है कि डीजल ज्यादा महंगा हो गया है पेट्रोल की तुलना में। वहीं आम जनता को अब परेशानी है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन में 88 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। उत्तराखंड में 88 नए मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में अब तक 2623 संक्रमित मिले हैं, तो 2623 उत्तराखंड में संख्या पहुंच गई है। इनमें से जो मरीज ठीक हो गए उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो वो 1721 है। 1721 मरीज अब तक ठीक होकर घरों को लौट भी चुके हैं, और टिहरी में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं। भारत की नेपाल के को लाख समझाने के बावजूद भी नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा है, वहां पर मौजूद तमाम हालात का जायजा लिया है एबीपी गंगा ने, और इस दौरान एबीपी गंगा के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। नेपाल बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नेपाली सेना की तैयारियां दिख रही हैं। चीन की शह पर सरहद पर महाकाली नदी के उस पार नेपाली सेना ने हेलीपैड तैयार कर लिया, और यह हेलीपैड कैलाश मानसरोवर मार्ग पर नजंग से आगे बनाया गया है, और बताया यह जा रहा है कि इसी हेलीपैड से कई दिन पहले पॉकलैंड मशीन भी उतारी गई थी। यह भी बताया जा रहा है कि नेपाली सेना के जवानों का कैंप भी तैयार कर लिया गया, और इसके साथ ही नदी के किनारे नेपाल अपने हिस्से में रास्ता बनाने की कोशिश भी कर रहा है। लद्दाख में चीन का भारत के साथ छल, विश्वासघात, और उसके बाद नेपाल की संसद से भारत के एक हिस्से को अपने मानचित्र में दर्शाने का विधेयक पास करना, और उसके बाद यहाँ जो डिमार्केशन वाली महाकाली नदी है कैलाश मानसरोवर मार्ग पर, वहाँ अपने एक आर्मी कैंप स्थापित करना, ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि नेपाल पूरी तरह से चीन की सह पर काम कर रहा है। यहाँ पहले जब तक नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में हम भारत के कुछ हिस्से को शामिल करके नक्शा पास नहीं किया था, या जो चीन की घटना लद्दाख में भारत के साथ हुई जो विश्वासघात हुआ, उससे पहले यहाँ आर्मी की चौकियाँ नहीं थी। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये नेपाल आर्मी की चौकी है, और वहाँ उन्होंने एक हेलीपैड भी बना लिया है, और उस हेलीपैड पर एक पोकलैंड भी कुछ दिन पहले यहाँ उतारी गई थी हेलीकॉप्टर से। तो ये नेपाल आर्मी का एक ऐसा उदाहरण है जो भारत के खिलाफ एक अभियान को मूर्त रूप देने की एक निरर्थक कोशिश है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से इस पड़ाव के जो ये आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक वहाँ खड़े हैं और चौकसी बरते हुए हैं। तो उधर से आप जाएंगे तो अगर इस नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो एक ट्रैक रूट आप देख रहे होंगे तो कि आगे तक उन्होंने चलने फिरने का एक बड़ा सा रास्ता भी बना लिया है, और थोड़ा आगे चल के पहाड़ की कटिंग करके भी इसको तैयार किया जा रहा है। ये वो आर्मी कैंप है जो यहाँ भारत की गतिविधियों पर नज़र रखेगा, और फ्रंट पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक कोशिश करेगा अपने देश के लिए, जिस तरह भी उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आप का यहाँ जिक्र करना बेहद ज़रूरी होगा कि जिस नेपाल आर्मी के अधिकारी
इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तैयार होते हैं। जिस नेपाल आर्मी के पास ऐसा कोई प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है, ऐसी कोई एकेडमी भी नहीं है कि अपने फौजी अफसरों को तैयार कर सकें और उनको जांबाज बना सकें, वो एकेडमी भारत में है। और चूंकि नेपाल, भूटान और तमाम ऐसे देश जो मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं, तो भारतीय सैन्य एकेडमी उनके भी फौज के अफसरों को तैयार करती है, तो नेपाल भी उनमें एक है। अभी 13 जून को IMA की POP हुई और POP में 20 से ज़्यादा अफसर नेपाल के तैयार होकर पासिंग आउट परेड से निकले। तो ये वो नेपाल है जिसके पास अपनी आर्मी के अफसर और बहुत जांबाज और बहुत कुशल, बहुत वीर योद्धा टाइप के अफसर तैयार करने की एक एकेडमी तक नहीं है जो हमारे यहाँ तैयार होते हैं। और वही आर्मी एक अजीबोगरीब संयोग है, एक ख़राब इत्तफाक है कि वही आर्मी के अफसर नेपाल ने उसी भारत के सामने खड़े कर दिए हैं जहाँ से वो प्रशिक्षण लेकर अपने देश को लौटते हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग नेपाल के आर्मी कैंप से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। धारचूला में भारत की तरफ से वेरी ब्रिज खोल दिया गया है, ये एक बड़ी जानकारी। निर्धारित संख्या में नेपाल में फंसे हुए लोग वापस लौटे भी हैं। 22 मार्च के बाद से ये झूला पुल का गेट अब खोला गया है। कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि नेपाल ने पुल का गेट नहीं खोला, सिर्फ निर्धारित लोगों को ही एंट्री की इजाजत दी गई। तो धारचूला में दरअसल भारतीय हिस्सा धारचूला है तो नेपाली हिस्सा दारचूला है, और यहाँ पर ये झूला पुल है जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ABP गंगा पर, और ये बीच में नदी बह रही है जो सीमा निर्धारित करती है। और उसके बाद कुछ लोग जो भारतीय जो वहाँ फंसे हुए थे, यहाँ तक कि कुछ नेपाली स्टूडेंट्स भी जिनको भारत में आना था, उनको भी इजाज़त दी गई। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। धारचूला कालापानी नेशनल हाईवे पर JCB से मलबा साफ करने की कोशिश कर रहा BRO के कर्मचारी मलबे में दब गए। गनीमत यह रही कि कर्मचारी की जान बाल बाल बच गई। बताया ये भी जा रहा है कि ये तस्वीरें धारचूला से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह की हैं, और ये तस्वीरें भी ABP गंगा के कैमरे में कैद हुई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी शुरू हो गई क्योंकि मानसून शुरू हो गया, मानसून ने दस्तक दे दी है, और ऐसी जगह पर जा पाना बड़ा मुश्किल है। लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, इन तस्वीरों को ABP गंगा आपके सामने हमेशा रखता आया और आगे भी रखेगा। देखिए किन किन परिस्थितियों में लोग अपने घरों को, अपने अपने इलाकों को जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां, और नीचे भूस्खलन हो रहा है, ऊपर से लोग गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों में लोग जा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश मुसीबत बन गई। हल्द्वानी में बरसाती नाले में अचानक उफान आने पर सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा। इस दौरान एक बाइक सवार पानी के बीच में फंस गया, जिससे उसकी बाइक पानी में बह गई। उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही लोगों की दुश्वारियां शुरू हो गई है। हल्द्वानी की इस तस्वीर को देखिए, एक बाइक सवार पानी में फंसी अपनी बाइक को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चोर गलिया के पास बरसाती नाले में अचानक उफान आ गया, सड़क से पानी बहने लगा, तभी ये बाइक सवार पानी के बीच बहाव में फंस गया। एक बार के लिए तो लगा कि अपनी बाइक को बचा लेगा, मगर पानी का वेग इतना तेज था कि इसकी बाइक बह गई। बाइक पानी में बहने के बाद भी युवक ने अपनी जान जोखिम में डाली। वो फिर सोचता रहा कि शायद बाइक को पानी से निकाल लेगा, मगर किसी तरह से इस युवक ने लोगों की बात मान ली और ये पानी के बहाव के बीच से निकल आया।
तराई का क्षेत्र है खासतौर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें चोर गलिया क्षेत्र है हमारा, कालाडूंगी क्षेत्र है और रामनगर क्षेत्र है। यहाँ पे खास तौर से बहुत तेज़ी से नाले में जोड़ा तेज़ी से पानी आता है, तो हम लोगों ने स्पेशली यहाँ के लिए फोर्स भी हमने 2 दिन से लगा रखा है। फिर भी लेकिन अगर किसी बहाने से कोई गलत तरीके से निकल जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने की ना निकलें, और निकल जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाएँ हो सकती हैं। सबसे अनुरोध है कि अनावश्यक जब पानी उफान पर है और पुलिसकर्मी उनको समझा रहे हैं, रुक जाएँ वहाँ पर, अनावश्यक वहाँ बहस ना करके और पार करने का प्रयास ना करें, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और हम इसको और सख्ती से आगे से लागू करेंगे। बरसात के सीजन में इस जगह पर अक्सर रोड पर पानी बहना लगा रहता है। प्रशासन के लाख समझाने पर भी लोग अपनी जान का जोखिम अक्सर मोल लेते हैं। उसको बुला लो, बुला लो। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अल्मोड़ा में बारिश इस कदर बरसी कि घरों के अंदर तक मलबा घुस गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का निर्माण सही से नहीं हुआ है। सड़क के ढलान को गांव की ओर मोड़ दिया गया है, जिससे पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। लोगों का ये कहना है कि इस बारे में प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, मगर समाधान कुछ नहीं होता। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, विभाग बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कई बार हमने लोगों के खेतों, लोगों के घरों को तबाह करता हुआ ये पानी आगे बढ़ा चला जा रहा है, और इसके पीछे की वजह प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। बागेश्वर से एक बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना के 5 नए केसेस बागेश्वर में मिले। दिल्ली से लौटे लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, यह खबर आपको बागेश्वर से हम दे दें। बागेश्वर में कोरोना के 5 केसेस मिले हैं और दिल्ली से लौटे लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में 68 हो गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, यह खबर बागेश्वर से। सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बागेश्वर वो जिला, इतने संसाधन जिले में भी नहीं, लेकिन केसेस यहां पर भी लगातार बढ़ रहे हैं। छोटे से जिले में 68 केसेस अब तक हो गए हैं। कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, उन कोविड अस्पताल में इन मरीजों को रखा गया है और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। ये दिल्ली से सभी बागेश्वर गए थे और 5 के 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो उत्तराखंड में लगातार केसेस मिल रहे हैं, 88 नए मरीज 24 घंटे के भीतर मिले हैं और अलग अलग खासतौर पर पहाड़ी जिलों से ज्यादा केसेस अब आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता हिमांशु और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। हिमांशु, इन 5 के बारे में आप बताइए कि सिम्प्टोमेटिक हैं या असिम्प्टोमेटिक हैं और कहाँ अस्पताल में क्या सभी को भर्ती किया गया? हाँ देखिए राजीव, देर रात्रि हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उत्तराखंड, जिसमें बागेश्वर जिले में 5 नए मरीज पाए गए हैं जो कि हाल ही में दिल्ली से लौटे हुए थे। और जैसा कि लगातार जिले में कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते की बात भी मार के देखा जाए तो करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता की विषय बातें भी हैं। लगातार एक तरफ जो रिकवरी रेट है वो भी घटता जा रहा है तो देखा जाए तो, और एक तरफ लगातार कोरोना का मरीज आए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो चिंता की विषय लगातार जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के लिए बनते जा रहे हैं। हालांकि इन 500 मरीजों को पहले से ही संस्थागत क्वारंटीन किया गया था और इनके नमूने भेजे गए थे हल्द्वानी लैब में, तो अभी पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में जो अब 67 के मरीज बढ़ गए हैं, लगातार बढ़ने की वजह से ये चिंता की विषय बनते जा रहे हैं। जी हिमांशु, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बागेश्वर में मॉनसून की पहली बारिश में शहर पानी पानी हो गया। शहर में जहां जहां पानी की अगर बात करें, जहां तहां पानी भरा हुआ दिखाई दिया है। लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका ने शहर में साफ सफाई का काम नहीं करवाया था, जिससे ये परेशानी हो रही है। मॉनसून की पहले ही बारिश ने बागेश्वर को बेहाल कर दिया है।
बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई नदी हो। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न है। लोगों का कहना है कि शहर में नालियों की सफाई नहीं करवाई गई, जिस वजह से अब जल भराव की समस्या हो रही है। हालांकि नगर पालिका इस पर सफाई दे रही है। मानसून से पूर्व भी हम लोग काफी जगहों पर नालियों की सफाई लगातार कराते रहे हैं और अभी भी हमारा वो काम चल रहा है, लेकिन कभी कभी जैसे मानसून की चूंकि पहली बरसात थी, पहली बार इस तरह से बरसात हुई है और बरसात भी ठीक ठाक बरसात थी, तो होता है कि कई चीज़ें होती हैं मलवा या इस जा करके नालियों में अचानक वो भरता है तो फिर नाली वो बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमें स्थिति का पता चलता है फिर हम दोबारा उसके फिर उसी हिसाब से जैसे मलवा निकालना है या कूड़ा अगर कहीं आ गया तो उसकी सफाई हम कराते रहते हैं। सरयू नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि नदी उफान मारकर बह रही है। नदी का ये रूप लोगों को डरा रहा है। जब अभी ये हाल है, अगर मानसून सीजन में बारिश जमकर बरसेगी तब क्या हाल होगा? बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ बारिश से शहरों में जल भराव हो गया है तो वहीं पहाड़ में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गए हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बाधित है तो वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे कई घंटे के बाद खुला है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां पहाड़ी दरक रही है। बांसवाड़ा के पास हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे रोड पर आवाजाही बाधित है। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर उस वक्त गिर रहे होते जब कोई राहगीर यहां से गुजर रहा होता तो क्या होता? केदार घाटी की जनता के लिए केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में नासूर बन गया है। बारिश होने पर नेशनल हाईवे आए दिन बंद रहता है। केदारनाथ हाईवे को केदार घाटी की लाइफलाइन कहा जाता है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर ऑल वेदर निर्माण से कई डेंजर जोन बन गए हैं, जिनसे आए दिन मलबा गिरता रहता है। वैकल्पिक मार्ग के तौर पर कुछ लोग अगस्त्य मुनि, बसु केदार, गुप्त काशी से आवाजाही कर रहे हैं, मगर ये रास्ता काफी लंबा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी हालात ठीक नहीं है। लामबगड़ के पास बारिश की वजह से हाईवे पर मलबा गिरा, जिससे रोड घंटों तक बाधित रहा। इस बार सबसे ज्यादा परेशानी इस मार्ग पर सेना के वाहनों को हो रही है। लामबगड़ से होकर ही माना पास के लिए सड़क जाती है, जो सीमा को जोड़ने का अहम रास्ता है। इन दिनों इस रोड पर सेना का मूवमेंट काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन यहां पर बाईपास बनाने की योजना बना रहा है। लामबगड़ पे जो स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है, उसमें हम ये व्यवस्था करेंगे इस बार कि अगर ऊपर से लैंडस्लाइड फिर से होता है तो हम नीचे से एक बाईपास उसमें देने जा रहे हैं, ताकि यातायात चला रहे और किसी को कोई नुकसान ना हो। लामबगड़ लैंडस्लाइड जोन पर हर साल मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। इसके लिए प्रशासन कई बार योजना भी बना चुका है, मगर अभी तक इसका कोई पुख्ता समाधान नहीं निकला। अभी भी लामबगड़ स्लाइड पर ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने एक बार फिर से इस लैंडस्लाइड जोन को सक्रिय कर दिया है। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़कोट में मॉनसून सीजन आते ही लोगों की चिंताएं बढ़ गई। मोरी इलाके में लोग बहते हुए पानी के अंदर से आवाजाही करने को मजबूर हैं। बताया ये जा रहा है कि अभी यहाँ पर एक पुलिया कभी यहाँ हुआ करती थी, मगर पुलिया गिर गई, जिससे यहाँ पर पानी बह रहा है और ऐसे में लोग जान हथेली पर रखकर ही सफर करने को मजबूर हैं। कुछ रोज पहले
जहां तक एक पुलिया हुआ करती थी अब उसके नामो निशान नहीं है। पुलिया की जगह पानी बह रहा है। ये जीप देखिए कैसे लड़खड़ाकर पानी के बीच से गुजर रही है। ये तस्वीरें बड़कोट के यमुना घाटी इलाके की है। कुछ समय पहले तक इस जगह पर एक पुलिया हुआ करती थी जिसके अब सिर्फ अवशेष ही बाकी हैं। आरोप है कि पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई, जिससे वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जो वन विभाग द्वारा और ठेकेदार द्वारा यहाँ पे एक छोटी सी पुलिया डाइवर्ट कलर्ड पुलिया जो बनाई गई थी गाड़ियों को चढ़ने के लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी सरिया नहीं लगी है। बिना सरिया के ये पुल बना है और यहाँ पे कम से कम 84 लाख रुपए की निर्माण सामग्री लगाई दिखाई गई है। ये इलाका नेशनल पार्क के तहत आता है। सांकारी से तालुका तक करीब 8 किलोमीटर सड़क की जिम्मेदारी भी पार्क प्रशासन की है, लिहाजा पार्क प्रशासन पुलिया को बनाने की तैयारी कर रहा है। ये जो हमारा सांकरी से लेके हर की दून वाला जो बटिया है, इसमें अभी हम इसकी मरम्मत के लिए काम चल रहा है। और ये जो बीच में गियागाड़ के पास कुछ दिक्कत है, बरसात में बारिश आने पर वहाँ पानी हो जाता है, तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से अब ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। मॉनसून सीजन आ गया है, ऐसे में आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ सकती है। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए अनुक्रम फॉर लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात।